अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट लाइफ। आज हम डिस्कस करेंगे एमजीटी 101 के लेसन नंबर 6 को। देखते हैं इसकी हेडिंग क्या है, रीडिंग स्किल्स। इस लेसन में आप क्या सीखेंगे, ये लेसन नंबर 5 से ही रिलेटेड है। आपको इसमें रीडिंग स्किल्स का पता चलेगा कि आपने मेन आइडिया कैसे चूज करना है। उसके बाद आपको एक्सरसाइज दी गई है, आपने उसको सॉल्व करना है। बेसिकली ये सारा लेक्चर आपकी रीडिंग स्किल के बारे में है कि आपको किस तरह से एक पैसेज दिया गया हो और उसके साथ गिवन एक्सरसाइज दी गई है, तो आपने उसको कैसे सॉल्व करना। तो सबसे पहले देखते हैं कि उन्होंने आपको यहाँ पे कैसे दिया हुआ है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, यानी कंप्यूटर्स की हिस्ट्री के बारे में सारा लिखा हुआ है कि कंप्यूटर कब ईजाद हुआ था, उसमें क्या क्या फंक्शंस थे, किस किस साइंटिस्ट या इंजीनियर ने इसको डिज़ाइन किया था, क्या प्रोसीजर था, सारा कुछ इसमें गिवन है। तो आपने इस पैसेज को 2 से 3 दफ़ा केयरफुली पढ़ना है। इसी तरह अगर आपको एग्जाम में भी कोई पैसेज आ जाता है तो आपने सबसे पहले उसको 2-3 दफ़ा केयरफुली पढ़ना है और उसके जो डिफ़िकल्ट मीनिंग्स हैं, यानी जिनकी आपको समझ नहीं आ रही, आपने पहले उनको समझने की कोशिश करनी है। पैसेज को जब आप समझ लेंगे तो फिर उसको सॉल्व आउट करना, उसके सब क्वेश्चन और मेन आइडिया उसका क्रिएट करना, जज करना सबसे ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो इसी तरह आपने इस पैसेज को अच्छे से पढ़ना है 2-3 दफ़ा। इसमें जो मुश्किल वर्ड्स हैं आपने उनको डिक्शनरी से कंसल्ट करना है और उसके जो है आपने सब मीनिंग्स को अच्छी तरह से समझना है। इससे आपकी वोकैबुलरी भी इंक्रीज होगी और आपको पैसेज को समझने भी आसानी होगी। तो सब आगे एक्सरसाइज देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने आपको क्या कहा हुआ है कि आपने मेन आइडिया इसमें से चूज़ करना है। उन्होंने आपको 3 स्टेटमेंट दी हुई है। उन्होंने कहा है कि इसमें से आपने मेन आइडिया चूज़ करना है और जो ऑप्शन आप नहीं चूज़ कर रहे उसकी आपने रीज़न भी बतानी है कि आप उस ऑप्शन को क्यों नहीं चूज़ कर रहे। तो इस पे क्या है कि कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में है ना, तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 एंड जो 3 है वो आपका मेन आइडिया हो सकता है, यानी ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये मेन आइडिया पे पूरा उतरती हैं। और जो चॉइस नंबर 2 है वो आपकी इसको मीट नहीं करती, यानी इसमें क्या है, प्रेडिक्शन है, फैक्ट नहीं है, यानी हकीकत की कोई बात नहीं है, इसमें प्रेडिक्शन है। और बेसिकली ये जो पॉइंट है पैसेज में इतने अच्छी तरह डिस्क्राइब नहीं है या इसकी कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है ऊपर ऐसे में, तो इस वजह से आप इसको इग्नोर कर रहे हैं। उसके बाद क्या है कि आपने देखना है जो पॉइंट 2 है, अंडरस्टैंडिंग द पैसेज, आपने पैसेज को अंडरस्टैंड करना है और उसमें से आपने ट्रू फॉल्स बताने हैं। आपने देखना है कि कौन सा जो पॉइंट है, कौन सी स्टेटमेंट है आपकी ट्रू है और कौन सी फॉल्स है, और आपने बताना है कि वो फॉल्स क्यों है या उसमें आप क्या चेंजेस करके उसको ट्रू कर सकते हैं। तो ये ट्रू एंड फॉल्स है, इसका भी देखें सोल्यूशन दिया हुआ है। अगर मैं इसको यहाँ पे रीड करूँ तो ये बहुत ज़्यादा लेंथी लेक्चर हो जाएगा, लेकिन काइंडली आपने इसको ज़रूर रीड करना है। सबसे पहले आपने पैसेज रीड करना है, उसके बाद आपने देखना है। जब आप पैसेज अच्छे से रीड करेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी नज़र के सामने से गुजरी है, उसमें ट्रू कौन सी और फॉल्स कौन सी है। तो इसमें आपका जो स्टेटमेंट नंबर 1 है, यानी हेडिंग नंबर 1 है या पॉइंट 1 है, वो आपका ट्रू है और सेकंड वाला फॉल्स है, क्योंकि इसमें क्या है कि ये जो स्लाइड रूल वाज इन्वेंटेड हंड्रेड्स ऑफ इयर्स अगो, कि ये जो स्लाइड रूल के बारे में लिखा हुआ है कि ये हंड्रेड्स ऑफ इयर्स अगो इन्वेंट हुआ था, तो ये रॉन्ग है क्योंकि ये न्यू इन्वेंशन है, ठीक है, मॉडर्न इन्वेंशन है। उसके बाद 3 भी आपका ट्रू है, 4 पॉइंट भी, 5th भी ट्रू है, 6 की आपकी स्टेटमेंट फॉल्स है। उसमें क्या है कि इंस्ट्रक्शंस यूज्ड बाय कंप्यूटर हैज ऑलवेज बीन केप्ट इनसाइड द कंप्यूटर्स मेमोरी, कि कंप्यूटर्स को जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं वो उसको कहाँ रखता है, कंप्यूटर की मेमोरी में, तो ये फॉल्स है आपका। इसका ट्रू क्या होगा कि जो इंस्ट्रक्शंस हैं जब तक उनको आप यूज नहीं करते वो आपकी सेकंड मेमोरी में स्टोर होती हैं। उसके बाद 7 भी आपका फॉल्स है। 7 पॉइंट आपका क्या है, यूजिंग ट्रांसिस्टर्स इंस्टेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स डिड नथिंग टू इंक्रीज द स्पीड एट विच कैलकुलेशन वर डन। तो इसकी जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। इसकी राइट स्टेटमेंट क्या होगी, द यूज ऑफ ट्रांजिस्टर इंक्रीज द स्पीड एट विच कैलकुलेशन वर डन, कि ये जो ट्रांजिस्टर है ये क्या करता है, कैलकुलेशन आपकी पूरी हो जाती है तो ये क्या करता है, जिसमें कैलकुलेशन की जाती है या उस टाइम पे ये उसकी स्पीड को, उस फंक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर देता है, यानी उसकी स्पीड को हाई कर देता है। उसके बाद आपकी जो स्टेटमेंट नंबर 8 है ये भी ट्रू है, 9th भी आपका ट्रू है, 10th आपका फॉल्स है। उसमें क्या है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हैज़ डेवलप्ड टू अ पॉइंट फ्रॉम विच न्यू डेवलपमेंट इन दिस फील्ड विल टेक अ लॉन्ग टाइम टू कम। तो इसकी स्टेटमेंट 2 क्या होगी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इज कॉन्स्टेंटली डेवलपिंग एंड एट अ वेरी फास्ट रेट, कि ठीक है कि उसने इसमें जो फॉल्स इसलिए हुई कि उसने कहा कि जो कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी है ये डेवलप तो हो रही है लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ये आहिस्ता आहिस्ता डेवलपिंग फील्ड की तरफ जा रहा है। ट्रू स्टेटमेंट क्या होगी, जो कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी है वो कॉन्स्टेंटली डेवलपिंग प्रोसेस में है, कि वो कुछ ना कुछ डेवलप करते रहते हैं और वो बहुत फास्ट यानी बहुत ज़्यादा
तेज़ स्पीड से यानी हाई स्पीड से वो कुछ ना कुछ डेवलप करते रहते हैं। इसमें टाइम नहीं उनको लग रहा है या वो बहुत अरसे बाद कोई नई चीज़ नहीं ला रहे, टाइम टू टाइम डे बाय डे इसमें इंक्रीमेंट होता जा रहा है। इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लोकेटिंग इन्फॉर्मेशन। इसमें क्या है कि आपने ये टेक्स्ट जो भी स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं आपने इसको रीड आउट करना है और आपने देखना है कि ये जो स्टेटमेंट है ये किस पैराग्राफ में से, जो ऊपर गिवन आपको ऐसे है पैसेज है कंप्यूटर का, उसमें से किस पैराग्राफ में से ये ली गई हैं। तो इसका सॉल्यूशन भी उन्होंने आपको दिया हुआ है, जब आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको साथ साथ ही माइंड में आता जाएगा कि जो वन वाली स्टेटमेंट है वो पैराग्राफ टू से ली गई है, टू वाली स्टेटमेंट पैराग्राफ थ्री से, थ्री वाली पैराग्राफ फिफ्थ से, फोर वाली वन से, फिफ्थ वाली सिक्स से, सिक्स वाली फिफ्थ से, और सेवन वाली पैराग्राफ वन से ली गई है, और एट वाली भी पैराग्राफ फिफ्थ से ली गई है। उसके बाद क्या अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स, आपने क्या करना है, रेफर बैक टू द टेक्स्ट एंड फाइंड सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स, कि आपने फॉलोइंग वर्ड्स के जो वर्ड्स आपको नीचे दिए गए हैं इनके सिनोनिम्स फाइंड आउट करने। सिनोनिम्स बेसिकली क्या होता है, मिलते जुलते से वर्ड्स जो होते हैं उनको आप क्या कहते हैं, सिनोनिम्स कहते हैं। तो मशीन जो है उसका सिनोनिम्स क्या होगा, पैराग्राफ वन में ही इसका आंसर दिया गया है, डिवाइस। ठीक है, डिवाइस भी एक तरह की मशीन को ही रिप्रेजेंट करता है उसके बाद क्या, डिजाइंड, डिजाइंड का सिनोनिम्स क्या होगा, डिवाइस्ड, यानी कि इसको डिवाइस्ड किया गया, डिजाइन किया गया। उसके बाद क्या है, अलॉट, इसका पैराग्राफ थ्री में ही सॉल्यूशन है या सिनोनिम्स है, अ ग्रेट डील। उसके बाद है एरर्स, उसका मिस्टेक, सॉल्व का क्या है, फिगर आउट, फिगर आउट का क्या मतलब है कि किसी चीज़ को सम अप करना, उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, आपने क्या फाइंड आउट करने हैं, नाउ रेफर बैक टू द टेक्स्ट, टेस्ट की तरफ आपने दोबारा जाना है, एंड फाइंड आउट एंड फाइंड एंटोनम्स। एंटोनम्स क्या होते हैं, ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं, जैसे अल्फाज मुतजाद आप कह सकते हैं, एक वर्ड होता है, ऑपोजिट जो वर्ड्स होते हैं उनको एंटोनम्स कहते हैं, फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। तो ओल्ड का एंटोनम्स क्या होगा, मॉडर्न, अफ्यू का क्या होगा, सेवरल, टू इंक्लूड का क्या होगा, कट आउट, कॉन्टेम्परेरीज का क्या है, प्रीडिसेसर्स, और स्टिल इन यूज का क्या होगा, ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट इसका क्या मतलब होता है कि जो चीज़ आपने यूज़ में नहीं लाई या ख़राब हो गई। ठीक है, इसके बाद आपका फिफ्थ पॉइंट क्या है, कंटेंट रिव्यू। आपने मैच करने हैं वर्ड्स कॉलम ए को कॉलम बी के साथ स्टेटमेंट में मैच करना है, तो जो आपकी फर्स्ट वाली स्टेटमेंट है ए की वो बी में किससे मैच हो रही है, सी से, और जो सेकंड वाला है ए का स्टेटमेंट वो बी में किससे मैच हो रहा है, जे पॉइंट से, जे की स्टेटमेंट से। थर्ड वाला वर्ड जो है वो बी में एच से, फोर वाला फिफ्थ से, फिफ्थ वाला बी से, सिक्स वाला जो ए कॉलम है वर्ड वो बी में किससे मैच हो रहा है, जी स्टेटमेंट से, सेवन वाला ई से, एट वाला आई से, नाइन वाला ए, टेन वाला डी से। मैं आपको पढ़ के इसलिए नहीं सुना रही कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा, आपका लेक्चर की ड्यूरेशन टाइम की जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, तो आप इसको पढ़ें, मैच करेंगे तो आपको ईजिली समझ आ जाएगा कि इन वर्ड्स को क्या मतलब है और कैसे इनको यूज़ किया गया है। उसके बाद इसी तरह उन्होंने फिफ्थ का जो बी पार्ट है उसमें दिया हुआ है कॉन्टेंट रिव्यू, कि आपने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स को पढ़ना है और उसमें देखना है कि इस टाइम पे क्या क्या इवेंट दिए गए हैं। जैसे प्रिमिटिव टाइम्स है तो उसमें क्या है, एबेकस इन्वेंटेड, एबेकस को इन्वेंट किया गया था, यानी एबेकस क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक आला है जिसमें आप पहले ज़माने में इसमें अकाउंटिंग सिखाई जाती थी या अकाउंटिंग की जाती थी, यानी अदादोशुमार किया जाता था। ठीक है, उसके बाद 17th एंड 18th सेंचुरी में क्या हुआ उसका, उसकी डिस्क्रिप्शन है, यानी वो डिस्क्राइब किया गया है कि उसमें क्या हुआ 1930, इसी तरह 1947 न्यू फीचर, इन सबको आपने देखना है कि न्यू फीचर के आगे जो स्टेटमेंट क्या दी गई है उसको आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद क्या है, सिक्स में क्या है, नाउ लुक बैक एट द टेक्स्ट हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स एंड फाइंड आउट व्हाट द वर्ड्स इन बोल्ड टाइप फेस रेफर्स टू। फर्स्ट लेक्चर में समझाया कि इंग्लिश का एक रूल है कि अगर आप कोई चीज़ या कोई पैसेज लिख रहे हैं या भी कुछ आप चीज़ रेफर कर रहे हैं तो आप बार बार उस चीज़ का नाम नहीं ले सकते। अगर आपने पहले कंप्यूटर लिख दिया स्टार्ट में तो फिर आप बाकी नेक्स्ट सेंटेंस में उसको इट से रेफर करेंगे, दैट से रेफर करेंगे, यही चीज़ उन्होंने यहाँ पे बताई हुई। नेक्स्ट सिक्स पॉइंट में उन्होंने आपको यही बताया हुआ है कि आपने दैट, इट, विच को कैसे रेफर करना है या कैसे किसी वर्ड को इन वर्ड्स के साथ, इन प्रपोजिशन के साथ रेफर करना है। जैसे दैट है वो क्या यूज़ होता है कि वो हिस्ट्री के बारे में यूज़ होता है, यानी किसी चीज़ की हिस्ट्री को आप दैट से रेफर करते हैं। और इट क्या होता है, जैसे स्टिल कोई चीज़ अभी यूज़ हो रही है उसके लिए क्या, जो चीज़ अभी प्रोसेस में है जैसे यूज़ में है उसके लिए क्या, इट यूज़ किया गया। और विच इसमें किस चीज़ को शो कर रहा है, लॉगरिथम की टेबल को। इसी तरह जो फोर्थ वाली स्टेटमेंट में विच है वो क्या, मशीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिफ्थ में डैट, डैट भी किस चीज़ को, मशीन को रेफर कर रहा है। सिक्स में भी डैट मशीन को रेफर कर रहा है। उसके बाद सेवन में दे
इंजीनियर्स को रेफ़र कर रहा है, ठीक है। जब आप ये पैसेज पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि वहाँ पे जो इंजीनियर्स थे उसकी नेक्स्ट स्टेटमेंट में इंजीनियर्स के नाम की बजाय दे यूज़ किया गया था, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, उनको रेफ़र करने के लिए। इसी तरह विच कंप्यूटर के लिए यूज़ किया गया, दीस भी कंप्यूटर के लिए यूज़ किया गया और दैट सर्किट्स के लिए यूज़ किया गया। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। ऑलमोस्ट ये सारा सॉल्व था, लेकिन फिर भी आपको इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप इसकी प्रैक्टिस करें, आप इसको समझें, आप सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को अच्छी तरह से जज करें। आपको जितनी ज़्यादा आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी आपका पेपर उतना अच्छा होगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या थे कि आपने सबसे पहले ये देखना है कि अगर कोई स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है तो आपने उसको ट्रू कैसे करना है, आपने उसका राइट पॉइंट बताना है कि वो फॉल्स क्यों है, मेन आइडिया आपने डिस्क्राइब करना है। अगर आपको ऑप्शन दिए गए हैं तो आपने राइट मेन आइडिया चूज़ करना है। सिनोनिम्स आपको आते हों, एंटोनिम्स आते हों और प्रपोजिशन का आपको एग्जैक्ट यूज़ आता हो, यानी डैट अगर आप देखना है आपने कि डैट किस चीज़ को रेफ़र कर रहा है, अगर लास्ट सेंटेंस में किसी मशीन या किसी भी पर्सन का नाम है तो नेक्स्ट में उसको वो इस प्रपोजिशन से रेफ़र करेंगे। तो आपने देखना है कि कैसे रेफ़र किया गया है, उसका मेथड क्या है, यानी मतलब आपको इसमें प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। जितने भी व्यूज़ आ रहे हैं वो सब प्लीज़ लाइक भी किया करें और वीडियो को शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को फ़ायदा हो सके। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।